नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है दोस्तों हमारा, रीडिफाइनिंग द ब्लॉक्स। इसका क्या मतलब है, जैसे हमारी ड्राइंग के अंदर टेबल है, अब मैंने कोई नई टेबल बनाई और उसका डिजाइन मुझे पसंद है, तो अगर मुझे पूरी ड्राइंग के अंदर टेबल चेंज करनी है, मान लिया हमारी ड्राइंग के अंदर 10-20 टेबल है अलग अलग फ्लोर प्लान में, तो मुझे सब जगह अगर वही ब्लॉक चेंज करना है तो उसके लिए हम रीडिफाइनिंग करते हैं ब्लॉक को। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक नई टेबल ड्रा कर लेता हूँ, जैसे मान लिया सर्कल ले लेता हूँ एक यहाँ पर, ओके, और फिर दोबारा एक और सर्कल, और फिर सेंटर में भी एक सर्कल ले लेते हैं छोटा सा, जैसे मान लिया ये हमारी टेबल है राउंड टेबल। ओके, तो अब क्या करते हैं कि जैसे इसको कन्वर्ट करते हैं ब्लॉक के अंदर, और मुझे ये टेबल चाहिए हर एक जगह, जैसे इस टेबल की जगह भी ये चाहिए और इस टेबल की जगह भी ये चाहिए, तो सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर क्रिएट ब्लॉक करते हैं, या हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं बाद में, और यहाँ पर कन्वर्ट टू ब्लॉक। तो अब हम इसका नाम वही रखेंगे जो हमारा उस ऑब्जेक्ट का जिसको हमें चेंज करना है, जैसे मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ टेबल, और फिर ओके। तो फिर ये हमसे रीडिफाइन ब्लॉक पूछेगा, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, और फिर ये बेस पॉइंट पूछेगा, तो बेस पॉइंट हम इसका सेंटर दे देते हैं, और उसके बाद जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर सब जो टेबल थी हमारी वो कन्वर्ट हो गई है ब्लॉक के अंदर। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी ब्लॉक को रीडिफाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे ये नहीं चाहिए तो इसको हम डिलीट कर देंगे, तो अब कंट्रोल जेड कर लेते हैं, वापस ही वही टेबल ले आते हैं हमारी, और इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों डायनेमिक ब्लॉक एडिटर। अब जैसे सोफा है हमारे यहाँ पर, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ और फिर ओके कर लेता हूँ, तो ये हमारा ब्लॉक एडिटर ओपन हो गया। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ब्लॉक ऑथरिंग पैलेट्स ओपन हो रखा है, जिसके थ्रू हम कोई भी डायनेमिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ब्लॉक के ऊपर। ओके, तो अब क्या करते हैं, जैसे पैरामीटर है सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर, ओके, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब जैसे मैं एक पैरामीटर अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर फ्लिप का, फ्लिप के ऊपर क्लिक करूंगा, तो उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन लाइन। तो अब जैसे बेस पॉइंट मैं यहाँ पर दे देता हूँ, और सेकंड बेस पॉइंट मैं दे देता हूँ यहाँ पर, ओके, तो ये एंड पॉइंट हो गया इसका। अब फिर ये पूछेगा कि लेवल कहाँ पे पुट करना है, तो जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ओके, तो उसके बाद जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर एक एरो का निशान आ गया, इसको मैं थोड़ा मूव करके सेंटर में ले आता हूँ, और यहाँ पर एक येलो बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि अभी तक कोई भी एक्शन इसके ऊपर लिया नहीं गया। तो एक्शन कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग एक्शन है, यहाँ पर फ्लिप को सिलेक्ट करता हूँ, और फिर ये हमसे पूछेगा सिलेक्ट पैरामीटर, तो पैरामीटर में यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर ये हमसे पूछेगा ऑब्जेक्ट, तो मैं ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर डायनेमिक फ्लिप का आइकन आ गया। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्लोज ब्लॉक एडिटर करते हैं, फिर यहाँ पर सेव चेंज करेंगे, और फिर जब मैं सोफा को सिलेक्ट करूँगा तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर आइकन आ गया एरो का। ओके, तो अब जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम सोफा को फ्लिप कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर या यहाँ पर, जिस भी डायरेक्शन में हमें फ्लिप करना है, तो वो हम यहाँ से सोफा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं। ओके, तो ये फ्लिप का डायनेमिक बटन हो गया इसके अंदर। अब जैसे दोबारा मैं इसमें ब्लॉक एडिटर ओपन कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, और अब जैसे इसके अंदर रोटेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो क्या करते हैं, पैरामीटर में जाएंगे सबसे पहला स्टेप, उसमें यहाँ पर रोटेशन, और फिर यहाँ पर हम बेस पॉइंट दे देते हैं, जैसे सेंटर से रोटेट करना है इसको, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और फिर ये सर्कल की रेडियस पूछेगा कि हमें कितने रेडियस का पैरामीटर चाहिए, तो जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ इतना, और फिर ये एंगल पूछेगा तो 0 एंटर कर देता हूँ क्योंकि डिफॉल्ट एंगल, और फिर उसके बाद हम एक्शन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे मैं रोटेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद हम सिलेक्ट पैरामीटर करते हैं यहाँ पर ये, और फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए पूछेगा ये, तो यहाँ पर मैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद राइट क्लिक, और फिर आप देख रहे होगे यहाँ पर भी रोटेशन का आइकन आ गया जो कि डायनेमिक आइकन है। ओके, फिर क्लोज ब्लॉक एडिटर, फिर यहाँ पर सेव चेंज, और फिर जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो आप देख रहे होगे यहाँ पर एक आइकन और आ गया जो कि रोटेशन का है। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो फिर मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ किसी भी एंगल में। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर इसको यहाँ तक रोटेट कर देता हूँ, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब कंट्रोल जेड कर लेते हैं वापस इसको। अब जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी अकेले इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई की है, मगर ये भी सेम ब्लॉक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी इसके ऊपर भी अप्लाई होगी। जैसे फ्लिप का ऑप्शन यहाँ पर भी है, तो इसको फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट का यहाँ पर भी है, रोटेट भी कर सकते हैं।
तो जो भी हम डायनेमिक प्रॉपर्टी एक ब्लॉक के ऊपर एडिट करेंगे तो वही प्रॉपर्टी सभी ब्लॉक्स के ऊपर हो जाएंगी जो हमारा सेम ब्लॉक है, जैसे टेबल का है तो टेबल के ऊपर। तो इस तरह से हम डायनेमिक ब्लॉक एडिटर यूज करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर मोर ऑप्शन का बटन है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर नेम के आगे ड्रॉप डाउन में हम जो भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है वो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे टेबल करनी है तो टेबल यहाँ पे सिलेक्ट किया और फिर मैं इंसर्शन पॉइंट स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन कर देता हूँ, स्केल स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन कर देता हूँ और रोटेशन भी स्क्रीन के ऊपर, और फिर हम ओके करते हैं। और फिर जब मैं इसको इंसर्ट करूँगा ब्लॉक को तो ये हमसे फिर स्केल फैक्टर पूछेगा कि हमें ये बढ़ाना है या छोटा करना है, तो हम डिफॉल्ट वैल्यू रखते हैं 1 और यहाँ पर भी एंटर कर लेते हैं। और हमें इसको रोटेट करना है तो यहाँ पर रोटेट के लिए एंगल भी पूछेगा तो दोबारा एंटर कर लेते हैं। 0 डिग्री पे चाहिए यानी कि नॉर्मल डिफॉल्ट चाहिए तो हम डिफॉल्ट रखते हैं, नहीं तो अगर 90 डिग्री पे चाहिए तो 90 एंटर कर देंगे यहाँ पर, तो ये रोटेट करके किसी भी ब्लॉक को इंसर्ट कर देगा। ओके, अब जैसे मान लिया मुझे कोई ब्लॉक है वो डिलीट करना है, जैसे सैंपल 1 सैंपल 2 मुझे नहीं चाहिए तो मैं इनको डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो इनको डिलीट करने का सबसे बेस्ट वे क्या है दोस्तों, हम जाएंगे एप्लीकेशन मेन्यू के ऊपर यहाँ पर और फिर यहाँ पर ड्रॉइंग यूटिलिटीज इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर पर्ज के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे सबसे टॉप में ब्लॉक का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे जो जो ब्लॉक हमें डिलीट करने हैं। जैसे मुझे ये डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा, पर्ज करूँगा और फिर पर्ज दिस आइटम, और फिर सैंपल 1 भी अगर डिलीट करना है तो पर्ज दिस आइटम, पर्ज कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो अब इंसर्ट के ऊपर जाएंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर वो ब्लॉक डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम ब्लॉक को भी डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी एट्रीब्यूट्स के ऊपर। अगर आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है प्रैक्टिस के लिए तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, फिर एक नई टैब खुलेगी, उसमें स्किप ऐड का ऑप्शन आएगा 5 सेकंड बाद, वहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट ड्रॉप बॉक्स के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने एड ब्लॉकर इंस्टॉल किया हुआ है अपने ब्राउजर में तो प्लीज़ आप जब भी हमारी यूट्यूब की वीडियोज़ वॉच करते हो तो प्लीज़ उसे डिसेबल कर दीजिए, और प्लीज़ एक बार ज़रूर आप ऑनलाइन हमारी वीडियोज़ को पूरा देखें जब भी आप देखते हो, क्योंकि आप अगर हमारी वीडियोस को पूरा देखोगे एक बार ऑनलाइन जो वॉच टाइम है वो इंक्रीज होगा और फिर हमारी जो रैंकिंग है वो टॉप में आएगी। वो सब आप सब की मदद से ही हो सकता है दोस्तों, अगर आप सब एक एक बार ज़रूर देखोगे हमारी वीडियोस को पूरा कंप्लीट ऑनलाइन तो ही हमारी वीडियोस टॉप रैंकिंग में आ सकती है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जब भी आप हमारी वीडियोज़ को देखो एक तो ब्राउज़र में एड ब्लॉक डिसेबल कर दीजिए और सेकेंड हमारी वीडियोज़ को पूरा देखिए ऑनलाइन ही यूट्यूब के ऊपर ही। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो ट्यूबमेट की जगह यूट्यूब का जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कीजिए दोस्तों। ओके, और जल्द ही मैं काफ़ी सारी वीडियोस और अपलोड करूँगा आप लगातार, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए।